हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैंने वेयर की है साड़ी, देखिए आज मैंने ब्लू कलर की साड़ी जो है वेयर की है। और अभी सुबह की बज रहे हैं 10 और दिन कौन सा है रुपये सर, भूल गए हम एकदम से। फ्राइडे है यानी कि शुक्रवार। और छवि देखिए यहाँ पे नाश्ता कर रही है। छवि दिखा दो, तो आप लोग भी कर लीजिए बोल रही है। और टिशू देखिए यहाँ पे है, हाय भी जा रही है। रुपेश तुम भी बोल दो, बोलो। तो चाय नहीं सब्जी रोटी दे रहे हैं। चलो तो फ्रेंड्स, और बहुत दिनों के बाद मैं मतलब ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि इधर बीच बच्चों का जो है ना वो क्लास चल रहा था, यानी कि एग्जाम चल रहा था। क्लास नहीं, गाना मत गाओ। तो ये बच्चों का जो है ना वो मतलब एग्जाम चल रहा था, ऑनलाइन ही एग्जाम चल रहा था। तो अभी मतलब आज जो है वो आज फ्राइडे को साइंस का पेपर हुआ है और कल फिनिश हो जाएगा। कल जैसा कि मतलब जीके और कंप्यूटर हरपेश। तो चाय छोड़ दो, देखो चाय गर्म कर रहा अपने से ही। चाय छोड़ दो, चाय मत गर्म करो, तुम सब्जी रोटी पहले खाओ। तो अभी ये सुबह से कुछ नहीं खाया है और चाय लेने जा रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इतने बड़े बच्चों को चाय पीना चाहिए कि नहीं। हम लोग की तो मान लीजिए बुरी आदत लगी गई है, पर इन लोग को तो अभी मतलब आदत अपनी नहीं लगानी चाहिए चाय की ना। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि इन लोग का जो एग्जाम है वो कल खत्म हो जाएगा सैटरडे को। कल जीके और कंप्यूटर है तो कल खत्म हो जाएगा पेपर इन लोग का। फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। फ्री क्या, फिर सोमवार से वही ऑनलाइन क्लास बच्चों का फिर से स्टार्ट हो जाएगा। क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, जाओ तुम देर वहाँ से रखा है। तो मतलब बच्चों का जो है वो एग्जाम फाइनल हो जाएगा, फिर वही शायद मंडे से इन लोग का क्या कहते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस चलें। तो इसी वजह से मैं कोई ब्लॉग डाल नहीं पा रही थी, क्योंकि इस समय मैं बच्चों के ऊपर पूरा फोकस दे रही थी। जैसा कि इन लोग का, अगर इन लोग के ऊपर ध्यान ना दीजिए ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि मस्ती करते रहते हैं और पेपर में बिल्कुल इन लोग का दिमाग ही नहीं लगता है कि मतलब हाँ हमें याद करना है, हमारा मतलब पेपर नज़दीक आ गया है। तो इसलिए मैं इन लोग के ऊपर अभी फोकस कर रही थी। बस कल से फ्री हूँ, फिर उसके बाद से क्लासेस चलेंगे तो ये लोग अपना खुद से कर लेंगे। छवि का कराऊंगी। और अभी मैं दे देती हूँ रुपेश को मतलब सब्जी और रोटी दूंगी। आज मैंने निमोना बनाया है और ये तो चाय रोटी खाएगा, पर मैं इसे चाय रोटी देने वाली नहीं हूँ। चलिए, हम चाय देंगे ही नहीं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल जो है वो चुन लिया, बस मुझे धुल के रोटी मतलब बस मुझे धुल के इसका चावल बनाना है। और ये जो रोटी मैं निकालती हूँ ना, तो ये छोटी छोटी मैं रोटी बना लेती हूँ पहली और आखिरी, क्योंकि हमारे यहाँ गाय जो है वो मतलब नहीं है, गाय है पर मतलब कोई खिलाने नहीं देगा, इसकी वजह से मैं निकाल देती हूँ और बाहर डाल देती हूँ। कोई भी मतलब जैसे चिड़िया या कुत्ता आता है तो वो मतलब खा लेगा। और यहाँ देखिए मैंने बनाया है निमोना और बड़ी इसमें डाले हैं, देते हैं एक मिनट। तो हर जगह रुपये आगे से कैमरे पे देखो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसे निकाल देती हूँ रुपेश को। रुपेश को बरी बहुत पसंद है, तो मैंने इसके लिए बरी जो है वो डाल दिया था। आप ये देख सकते हो कि ये है बरी जी, तो मैंने इसके लिए डाल दिया था कि चलो ये खा लेगा। और एक और बस एक ही मैंने डाला था। और रोटी ले लो, तुम रोटी ले लो और खा लो। अभी देखिए आज जल्दी काम हो गया है। और रुपेश का है चाय, वो आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे मैं दे देती हूँ इसे रोटी, ताकि ये इसका जो नाश्ता है वो हो जाए। और रोटी और आ जाना रुपेश लेने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग नाश्ता कर लीजिए और आइए चाय पिलाती हूँ। देखिए कितना कितना थोड़ा सा रुपेश चाय दिया है मुझे, देखिए। और हमारे घर आए हैं मेहमान, अभी नहीं बाद में मिलाऊंगी आप लोगों से। और अभी वो हैं अंदर रूम में हैं, तो थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलाती हूँ। और वो ऐसे मेहमान हैं कि सब चाहेगा कि हमारे घर आए। दूध आके गई तो ठीक है, अभी पर मिला नहीं था ना। छबी ले लो, हाथ धुल के लेना, लेकिन हाथ धुल के लेना। तो अभी जो है पी लेती हूँ मैं भी चाय। तो अभी मैंने चावल भी बनने के लिए यहाँ देखिए धुल के चढ़ा दिया है। और हाँ पानी, अच्छा पानी दे रहे हैं। और अभी मैं मतलब मुझे कपड़े अभी वाश करने हैं, पर जैसा कि लाइट सुबह से नहीं है और पता नहीं क्यों आज सुबह से लाइट नहीं है, वेट करते करते मैं लेट से नहाई भी हूँ, क्योंकि लाइट था ही नहीं, पानी कहाँ से मैं गर्म करती। तो इसकी वजह से मुझे आज नहाने में भी लेट हो गया है। और अभी देखिए कपड़ा कब वाश हो, लाइट नहीं है। तो ये लो रुपये, पानी सिंह में
रख देना बेटा बर्तन, तो रुपये इसको मैं पानी पहले दे देती हूँ। चलिए लो पानी ले लो, वो जूठा हाथ मत छुआ मुझसे। यहाँ आपको दिखाती हूँ कि लाइट बिल्कुल लाइट नहीं है। आप देखिए यहाँ नीचे लाइट नहीं है, और मतलब फिर मैंने क्या किया मैम, फिर मैं ठंडे पानी से ही नहा ली थी। तो चलिए अभी आप लोग से मिलाती हूँ उस मेहमान से, जिसे मतलब सब प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे तो लगता है, और वो जिनके घर में जाते हैं उनकी सेवा में सब लग जाते हैं। तो चलिए मैं उस मेहमान से ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, मिलाती हूँ आपको। तो आइए आप सब भी दर्शन कर लीजिए मेरे नए मेहमान से। कैसे लगे आप सभी को नए मेहमान, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे घर आए हैं चार लोग, यानी कि ये बड़े लल्ला हैं और ये उसे छोटे लल्ला है। आप देख सकते हो कैसे सब लोग बैठे हुए हैं, और दोनों बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं ना कि इनके पास ही सब रह रहे हैं। और एक छोटे वाला लल्ला कहाँ है, और ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं एक सबसे नन्हे से प्यारे से लल्ला। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ये लल्ला ना, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इनके नाप की जो है ड्रेस ही नहीं थी, तो रक्षा सूत्र मैंने इन्हें मतलब लपेट दिया और यहाँ बैठा देती हूँ। तो आप सब मिल लिए मेरे नए मेहमान से, और आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि नए मेहमान से मिलके आप सभी को कैसा लगा। मैं बना रही हूँ गाउन, राधा रानी का गाउन, और गाउन तो तैयार हो गया है, आप देख सकते हो बहुत प्यारा जो है ये गाउन बन के आया है। और इसके साथ मैंने ये वाली शॉल लगाई है, ये देखिए अभी शॉल जो है वो कम्प्लीट नहीं है, पर गाउन जो है वो कम्प्लीट हो गया है, ये देख सकते हो आप। अभी शॉल मुझे बनानी है, थोड़ा सा और लेंथ इसका लेना है, और अभी ठाकुर जी का भी मुझे बनाना है, जैसे ठाकुर जी की धोती और शॉल उनका बनाना है। और बताइएगा मुझे कि कैसा लगा ये गाउन, मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, जाके नहा लीजिए अभी। यहाँ देखिए, और अभी शाम का समय हो गया है, तो मैं बच्चों के साथ छत पे आ गई हूँ। अब प्रीसा भी आ गई है छत पे ही, और अभी शाम है, हवा चल रहा है, इसकी वजह से मुझे ठंड लग रही है, और छवि मुझे कुछ सुना रही थी। फिर मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ, और आलू मैंने बॉयल कर लिया था, प्याज कट कर लिया है, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन मैंने कूट लिया है, हरा धनिया मैंने कट कर लिया है। तो आज मैं आलू का बस भुजा मसाले, मतलब भुजिया टाइप का कुछ है, मसालेदार बस ये है, तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया, इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, जीरा जब चटक गया है तो इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करने तक मतलब भुनना है, जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक। अभी देखिए प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो बस थोड़ी देर में ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, इसके बाद थोड़ा सा और मुझे भून लेना है, उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। बस अभी देखिए प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है, और इसे अच्छे से मैं मतलब मिक्स कर लूंगी। उसके बाद इसमें मैं गरम मसाला बोल रही हूँ सारे मसाले ऐड कर दूंगी, वही रूटीन के मसाले, हल्दी, नमक, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब मैंने डाल दिया है, और इन सभी मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अभी देखिए मैंने लिड हटाया है, और टमाटर जो है कितना अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और अभी मसाला भी पक गया है, और मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ बॉयल आलू, जो मैंने मतलब कट नहीं किया था हाथों से ही, बस ऐसे ही रफली तोड़ दिया है इसे। और अब मैं सारे आलू के ऊपर ये मसाले जो है ना अच्छे से मिक्स कर दूंगी, इसकी अच्छी सी एक कोटिंग हो जाए सारे आलू पे, और थोड़ी देर बस इसे और भून लूंगी, और सब्जी जो है वो कम्प्लीट है। आप इसे रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, हर चीज़ के साथ ये जाएगा। और लास्ट में मैंने देखिए गार्निश कर दिया है धनिया की पत्ती के साथ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो अब देखिए सब्जी का लुक कितना अच्छा आ रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आटा लगा लिया था, तो अभी मैं पराठे सेक दे रही हूँ, सिंपल पराठा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस आटा था, मैंने उसमें अजवाइन ले लिया था और थोड़ा सा दही डाल के इस आटे को मैंने लगा लिया था। और अभी मैं सारे पराठे जो है बना लेती हूँ, और बच्चे भी वेट कर रहे हैं खाने के लिए, तो उन्हें भी मैं जल्दी जल्दी लगा दूंगी। और गाजर का हलवा मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। और देखिए आज का हमारा डिनर है पराठा, आलू की सब्जी और गाजर का हलवा। आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग भी, और आज का ब्लॉग आप सभी को जरा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय बाय फ्रेंड्स।